तो सुबह में 3 बजे जूड़े बना रही है उठ के, हद नहीं हो गई। इस जैसी लड़कियों को कोई चीज नहीं अच्छी लगता, हेल्प करने के बाद बताते नहीं है, लेकिन हेल्प करने के बाद बताना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आप मोटिवेट हो। हाँ। तो ये दोबारा तो हो चुका है और मैं सहरी तक जागती रही हूँ। बुआ जो है वो सो गई थी, मतलब बुआ जो है वो दो मतलब सो गई थी करीब 2 बजे तक। हाँ जी, बुआ सोई थी 3 बजे तक सो गई थी और अब उठी। अब मैं सोई थी, मैं बस 4 बजे सोई थी, मैं 4 बजे, फिर बुआ ने मुझे 4 बजे 5 मिनट पर उठा दिया दोबारा से। और नानो 3:30 बजे उठी थी और यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। आज हमारा है पालक, चाय, आज हमारा सिंपल से मलाई और ये दही। नानो खाती है दही और मलाई, हम तो नहीं खाते, नानी खाती दही और मलाई। तो और मैंने हन्ना को उठा रही हूँ, हन्ना उठ नहीं रही। हन्ना नहीं रखना रोजा है, वैसे कह रही है नहीं रखना। चलो फिर उठो, जल्दी करो हन्ना। फ्रेंड्स टाइम ज्यादा हो गया और इस लड़के को पता ही नहीं है। हन्ना सो फ्रेंड्स बक्तावर थोड़ी सी शौकी हुई थी, मेरा लैपटॉप अपने मेरा मोबाइल अपने हाथ में पकड़ के, तो मैंने कहा ज्यादा हैंग बस कर दो, ज्यादा शौकी होने की जरूरत नहीं है, वापस दे दो मेरा मोबाइल। झूठी, मुझे कहा था ब्लॉग शुरू करो, मैंने कहा थोड़ा लेट हो गया तो जल्दी जल्दी शुरू कर दे। मैं जल्दी जल्दी मैं कहा, फिर मैं साथ ही ना आप पकड़ लूंगी आप लोगों को, ठीक है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। फ्रेंड मैं अपनी जगह नहीं जान देती, टेंशन नहीं लेनी आपने। ये बॉटन बहुत गर्म है। तो आज मेरे बख्तावर ने वैसे तो आपको दिखा दिया कि क्या है हमारे पास, पालक चावल वगैरह। तो ये आज ओ चावल, ओहो पालक चावल भूल गई मैं, चावल भूल गई मैं, चावल नहीं है भाई, पराठे हैं, पराठे खा रहे ना, नहीं चावल रात खाए थे, बस अभी हम वो खाएंगे पालक, पालक विद पराठा, क्या कम्बो कॉम्बो है। मुझे रात बहुत तंग हुई है, बहुत ज्यादा रात मुझे आ गई बहुत शदीद किस्म की नींद एकदम से, रात पे तब सुबह 3 बजे ठीक है, मैं इसको कह रही हूँ 3:15 हो गए थे, मैंने इसको कहा बता दो मुझे थोड़ी देर लेट में दे, 3:30 बजे नानो को जगाना होता, नहीं मेरे कान में आके बोल रही, मेरी पता नहीं क्या क्या कर रही। फिर उसके बाद इसको कहीं जाके मैंने कहा जा यार तंग ना कर, तो सुबह में 3 बजे जूड़े बना रही है उठ के, हद नहीं हो गई, हेयर स्टाइल्स बनाने की कोशिश कर रही है, मैं कहा हद है बख्तावर सो जा चुप करके। खैर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पराठे, ये देखें शीट हमारी सेट हो गई है और अब ये हम शुरू हो गए हैं खाना पीना, ये देखें फ्रेंड्स। अब सो फ्रेंड्स मैंने नमाज पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ सोने की तैयारी करने, मैं लेटने लगी हूँ, मैंने उसके बाद फिर थोड़ी देर काम करना है और फिर उसके बाद मैंने इंशाल्लाह 6 बजे तक सो जाना है। 6 बजे सो गए, नहीं 4 बजे नहीं, मैं 1 बजे तक उठती हूँ, झूठी 2 बजे उठती हूँ, 1:30 बजे तक एड हद 1:30 बजे तक उठ जाती हूँ मैं, तो अब सुबह मिलेंगे आपसे। Stay tuned with us. The next day. Okay, so friends, एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं अपने किचन में और किचन में आके हम लोग अपने चीजें वगैरह स्टार्ट कर दी है बनाने के लिए। बुआ यहाँ पे बैटर बना के गई है पकौड़ों का, ये पानी क्यों छोड़ रहा है, ये पकौड़ों का बैटर और ये बुआ ने जो उस दिन चाइनीज पकौड़े बनाए थे उसका बैटर, साथ ही साथ में और बुआ ने साथ में मैक्रोनी भी तैयार कर दिया, यहाँ पर है वेजिटेबल्स है और बुआ ने मैक्रोनी जो है वो बॉयल की हुई है। ओके अब हम लोग, अब मैं और बतावा आज के
मैं अब क्या बना रहे हैं स्मूदी, मैं बना रही हूँ अपनी स्मूदी। मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया, जो जिसके काम का होता है, मतलब एप्पल बनाना, मतलब कोई भी फ्रूट, सारे फ्रूट डाल के। हाँ, और जो आपके पास अवेलेबल हो वो भी हम आप डाल सकते हैं। हमारे पास अवेलेबल था एप्पल, बनाना, वाटर मेलन और क्या था, और अमरूद, गावा। हमारे पास ये चार हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो हमने यही डाल दिया। जितने भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। ये और हमने अच्छा, और उसके बाद ऑरेंज भी है, हमने उसको ऑरेंज के साथ उसको ऐसे मतलब ना उसका जूस निकाल के बीज अलग हो जाए वो हमने निकाल के इसमें डाल दिया है, ये ऑरेंज। और फिर हमने इसके अंदर डाल दिया, दिखा दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया जमशीन पे, अभी हम इसको ब्लेंड करते हैं। और यहाँ पे बख्तावर ने बनाया है कुछ खास दही पूरी, डिफरेंट है दही पापड़ी, इंडियन डिश है दही पापड़ी। तो फ्रेंड्स, अब बुआ आ चुकी है काइंडली नहा के। यहाँ पे मैक्रोनी बन रही है, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया पकोड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे चाइनीज पकोड़ों का मिक्सचर बन गया है, और यहाँ पे पापड़ी चाट, दही पूरी चाट बन चुकी है, और यहाँ पे ये भी बन चुकी है समूदी। और क्या बचा, और शहतूत हमने धो के रख लिया, ऐसी लड़कियों के ना इसलिए जानने बनते, दोनों जो है ना वो लगती थी ग्रीन भी, और लग गई बुआ को, लग गई ना, लगी ना, मैं तो यहाँ मारा। फिर लड़कियों को कोई अच्छी चीज अच्छी लगती कोई भी? सही बात है, इस जैसी लड़कियों को कोई चीज नहीं अच्छी लगती। अब जो भी हमने अंकल जी की मदद की है, हमने उनसे बुरी बात हेल्प करने के बाद बताते नहीं है, लेकिन हेल्प करने के बाद बताना इसलिए भी जरूरत है ताकि आप मोटिवेट हो। तो यही फ्रेंड्स, हमने कॉटन कैंडी पहले खरीदे, कॉटन कैंडी हम 20 रुपीज के, ये मेरी है ना, नॉट टेल द प्राइस, इसमें क्या था का बस क्या, हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। यस फ्रेंड्स, मैंने बुआ ने मेरे लिए और अपने लिए बनाई है, क्योंकि बख्तावर खा रही है, बख्तावर के बहुत नखरे है, कह रही है मुझे तो ये अच्छी लगती, मैं तो नहीं खाऊंगी। हमने कहा ना, आपके लिए बना कौन रहा है, वैसे हमने तो अपने लिए बनाई, हम खा लेंगे। आप मसला पता क्या है, ना बताना है कि क्या बना लो, और जब बना लो तो फिर नखरे इनके बना लिया, ये तो हम खाते ही नहीं, ये तो हम खाते ही नहीं, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं क्या है, ये क्या चीज बला है, नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं, ये तो मैं खाती नहीं। अरे यार फिर बता दो क्या बनाऊं, मुझे क्या पता, इसकी वजह से गलती से मेरे से ना गाजर दो दफा डल गई, फिर ना मुझे अभी भी नानो की फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, नानो के दिमाग में यही था, लेकिन नानो ने बोला नहीं था कि मैं बुआ को ना बता दूं, बुआ मेरा दिल पे खोल है ना, बुआ ज्यादा दिल पे बात ना ले ली बहुत दिल पे बात ले ली मैंने, बुआ ने चीजें गिराने लग गई, बुआ ने इतने से बात ले ली, बुआ बुआ काम डाउन बेबी काम डाउन, ये कट कर देना, बुआ गाना है। आज हमारा दूसरा अश्रा भी मुकम्मल हो चुका है। यस फ्रेंड्स, आज गुड न्यूज ये भी है कि मेरा कुरान भी मुकम्मल हो चुका है, ये बड़ी मुश्किलों से हुआ है, ये तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, हालांकि मैंने 15 रोजे तक मेरा मुकम्मल हो जाता है कुरान हमेशा, लेकिन इस दफा बहुत लंबा चला गया। चैनल मुझे अपना थंबनेल बनवा दिया, ऐसा लग रहा है बुआ को रोजा लग रहा है। बुआ अपने बाल तो ठीक कर लो, इसमें कोई भी बर्ड आके अपना ना घोषणा बना सकते है, आप कैसे बाल है, तो बिहेवियर बॉटल कर रही हो, माशाल्लाह माँ कुर्बान जाए, माँ वाली जाए, मेरी माँ मेरी खाला के अंदर पर इतना दिमाग है, आप सोच नहीं सकते इतना दिमाग है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इंटेलिजेंट, नजर आ रहा है फ्रेंड्स को, नजर आ रहा है कितनी इंटेलिजेंट।
असिस्टेंट है। I'm a web developer. Girl, thanks. बस नाम। बताओ ना नाम की। I'm a web developer. बस नाम। Yeah, they're cat friends. एक बार फिर हमारे साथ ये हो गया है। बस रहते नहीं है, पक गए हैं। तो कूड़े बनाए हैं। अल्लाह माफ़ी। चेक कर लो जरा बस फ्रेंड्स उसकी बातें। इस लड़की को ना जल्दी रखो, अफ्तार हो गया रोजा। पकड़ो तो जाओ रात को खजूर तो खाओ। ये पकड़ो। इसको ना सब बातें आती हैं। अंदर बैठ के टैब यूज कर रही थी इतनी देर से, तब तो नहीं याद आया। हाँ जी, मैं अपना काम पूरा करके गई थी, अपनी ड्यूटी पूरी करके गई। हाँ, बस कर ले जाओ। अल्लाह जी, आज तो फ्रेंड हमने कुछ नहीं खाया अभी तक, बस अब और पानी स्मूदी। हाँ यार, आई लव इट। मेरी स्मूदी दे दो। बाय। मैक्रोनीज ले आओ साथ, जाओ है ना बख्तावर, आप जाओ। आप कुछ नहीं, चलो आपने कुछ नहीं किया आज। अभी मैं करूंगी ना, चाय बना ली। चाय बनाओगे? चलो अच्छा, मैक्रोनीज लाओ। यार मैं इधर से जाऊं? जा ना, गरम गरम करके, गरम गरम है वो, ले आओ जल्दी से। वो उससे उठाई नहीं जानी, मसला ये है। फोक लाओ, फोक। सो फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम हो चुका था खाने के बाद जो है वो कुछ नमकीन, मतलब स्नैक्स खाने का, स्नैक्स। और यहाँ पे है स्नैक्स, हम खाएंगे शहतूत। स्नैक्स ही कहते हैं उसे इंग्लिश, इनके इंग्लिश पे कहते हैं ब्लैकबेरीज। ये नहीं होती है, यही होती है ब्लैकबेरी, दूसरी होती है पाकिस्तानी ब्लैकबेरीज। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत पीछे पानी है। ये होती है क्या दिखा रही, क्या दिखा रही है? अजवा इसको धक्का दे बात किचन में यार, मम्मी इसको घर से बाहर दे। और फ्रेंड्स यहाँ पॉपकॉर्न लाए हैं, बहुत धक्का तो ऐसे था। ओके सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्या था वो? बेल आइकन को मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको सुन लें। बाय। मैजिक होने लगा है ना। देना। ओहो, मेरे तो पता चल रहा है कि पीछे जा रहा। फ्रेंड्स ये देखो, मुझे कट लग, नॉन ही देखे ये।